अरे लाओ मत भाई साहब, ये पाऊं से सर। अरे मैडम सर 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 अरे लाओ मत भाई साहब, ये पाऊं से। अरे मैडम सर 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 महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्रतीकात्मक बल्कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि सफाई जिन जगह पे की वहाँ बहुत गंदगी थी, और ये बहुत गंदगी क्यों है यह भी एक अपने आप में सवाल होना चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से यह NDMC का पूरा इलाका है और NDMC को सफाई इन इलाकों में किस रूप में करनी चाहिए और होनी चाहिए सफाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री चूँकि जिस लिहाज से समूचे देश को एक सजग करने की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं कि आप स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करें कि पहले गाँव या पहले परिवार या खुद फिर परिवार फिर मोहल्ला फिर गांव फिर कार्यस्थल, इन तमाम जगहों पर सफाई करूंगा और इसके बाद देश स्वच्छ होगा, इसका मतलब है बहुत निज तौर पर स्वच्छ रहने की मानसिकता व्यक्ति के भीतर आनी चाहिए। इसका आज कम से कम प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए संकेत जरूर दिए। प्रधानमंत्री ने जिन नवरत्नों का जिक्र किया, हमें लगता है उनका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि 9 लोगों का नाम उन्होंने लिया बाकायदा, जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया। आमंत्रित का मतलब ये माना गया कि वो अपने अपने इलाके में काम करें और वो 9 लोग फिर और 9 लोगों को आमंत्रित करें, फिर वो 9 लोग, और एक देश में चेन बने, जो कि इसके साथ एक जन अभियान के तौर पर ये पूरा स्वच्छता अभियान बदल जाए। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 9 लोगों का नाम लिया उसमें 5-6 नाम ऐसे हैं कम से कम कि वो सार्वजनिक जीवन में निकलना उनके लिए सड़क पर मुश्किल है। उसमें एक प्रियंका चोपड़ा, कमला हसन बहुत कम निकलते हैं लेकिन बहुत कम निकल पाते हैं। सलमान खान आप कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल है सड़क पे आ जाएं। तारक मेहता इस दौर में टेलीविज़न के बहुत ही लोकप्रिय अदाकार हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो कब कहाँ कैसे निकलेंगे, कितनी सचिन तेंदुलकर कितनी भीड़ कैसे आ जाएगी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बाबा रामदेव जरूर निकल सकते, बाबा रामदेव जनता के बीच रहते हैं, वो एक नवरत्न के तौर पर आप कह सकते हैं। अनिल अंबानी किस रूप में निकलेंगे यह भी देखना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के वह भी एक छोटे से दायरे में रहते हैं। और मृदुला सिन्हा जो गवर्नर हैं गोवा की, और गवर्नर की एक अपनी मजबूरियां होती हैं, उन सब ये सारी परिस्थिति है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देश के भीतर जो सामाजिक संगठन है या फिर सामाजिक कार्यों में लिप्त या इस देश में जिनकी पहचान सामाजिक तौर पर है और उनके ज़रिए सामाजिक सरोकार पैदा होकर आंदोलन की दिशा में इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, उनके नाम हालांकि गायब है इसमें। लेकिन फिर भी हम ये मान कर चलें क्योंकि जन अभियान के तौर पर एक सिर्फ प्रतीकात्मक 9 नाम लिए गए, सलमान खान तो वहाँ पर नहीं, लेकिन आमिर खान जरूर पहुँचे और आमिर खान को साथ मंच पर बुलाया भी गया, उनकी मौजूदगी देखी गई वहाँ पर। तो कहीं जन अभियान में ये कैसे तब्दील होगा, इसको लेकर क्या कार्य योजना है, किस तरीके से जनता के भीतर ये उत्साह उमंग लगातार बने, क्योंकि आज 2 अक्टूबर का दिन है, छुट्टी का दिन होता है सार्वजनिक छुट्टी का, हालांकि आज दफ्तर खुले क्योंकि शपथ लेने का जिक्र था, सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में आए, लेकिन आपाधापी जो हर दिन की मची रहती है इस देश के भीतर रोजगार और काम करने को लेकर, उसमें से हर हफ्ते 2 घंटे श्रमदान करने के लिए जरूर निकालें, ये शपथ में बताया गया है या शपथ ली गई है अब, और शपथ लेने का मतलब ये होता है आप उसे लागू भी करें। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि आप इस शपथ को शपथ ले रहे हैं, इस शपथ को पढ़ नहीं रहे हैं, यानी ये एहसास आप में होना चाहिए कि अब आप इसे अपने जीवन में साकार करेंगे उतारेंगे। और यह भी
कहा गया कि जो शपथ ले रहा हूं उसे अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। मंदिर मार्ग में जब पहुंचे थे, जिस समय जिस जगह पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और फिर प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले, उन सब के बीच हमारी संवाददाता मौसमी वहां पर मौजूद थी। देखिए किस तरीके से वहां पर चिल्लम पो मच गई। उसके बाद मंदिर मार्ग थाने में प्रधानमंत्री ने सरप्राइज चेक किया और यहाँ पे आके उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री को आना नहीं था, स्केड्यूल्ड विजिट नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ था, हमारे सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने आके यहाँ पे पूरा मुआयना किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी झाड़ू लगाई जा रही है, साफ़ किया जा रहा है इलाके को। कूड़ा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आके लोगों की क्लास ली है, यहाँ पे अधिकारियों की क्लास ली है कि आप दूसरों को स्वच्छता का पाठ कैसे पढ़ाएंगे जब आप खुद स्वच्छता नहीं रखेंगे। और यहाँ पे भी आप देखें तो एक पाइप लगाया गया है, गाड़ियाँ यहाँ पे गंदी खड़ी थी तो पाइप के जरिए साफ सफाई जो है अब थाने में की जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि हमें अपने विचार बदलने की ज़रूरत है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और सफाई जो है सरकारी दफ्तरों से शुरू होनी है। आलम यह है कि पुलिस कर्मियों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, सबके चेहरे गंभीर हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पे आए, खबर ये लग रही है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे फटकार लगाई है तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को और अभी यहाँ पे जोर शोर से सफाई शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी जुटे हुए हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए। भैया प्रधानमंत्री यहीं आए थे जी मैम, फिर क्या बोले? सफाई करने के लिए थोड़ा बोले थे हाँ। भाई सफाई रखो, बढ़िया है अपने लिए। अच्छा तो फिर आज सब लोग आप लोग भी जुट गए? सब ड्यूटी में लग रहे थे, अब एट ए टाइम ड्यूटी, उसके बाद ड्यूटी खत्म होते ही यहाँ काम में लग रहे हैं। आप थे यहीं पे जब प्रधानमंत्री आए थे? हाँ जी, कल से लग रहे हैं जी। क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री? कह रहे हैं सफाई बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं और सफाई भी करो, दोनों काम करो आप। नाराज हुए जिस तरह से यहाँ पे? ये कहा कि आप सफाई करो, बड़ी अच्छी बात है, सफाई अभियान है, ये सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखो, घर में भी बाहर भी जहाँ भी जाओ सफाई का ध्यान रखो। तो आप भी खड़े हुए थे यहाँ पे? बिल्कुल जी, सामने खड़े हुए थे। मोदी जी ने कहा कि सफाई करो, अपने ढूंढ नौकरी भी करते रहो, ईमानदारी से काम करो, अपने थाने को आसपास के एरिया को सफाई रखो। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की मैराथन को टिक ऑफ करने से पहले यहाँ मंदिर मार्ग थाने आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से तमाम पुलिस कर्मियों को भी कहा कि स्वच्छता अभियान में वो खुद भी जुड़े और अपने दफ्तर को भी साफ रखें। और उसी की मुहिम के तहत आप देख रहे हैं ये तस्वीर मंदिर मार्ग थाने की। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री की भागीदारी या प्रधानमंत्री के जरिए शुरुआत और जन अभियान में जोड़ने की स्थिति में बीते कम से कम 48 घंटों में तो देश में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बिका है तो वो झाड़ू ही है, ये एक सच है। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई जन अभियान के तौर पर लोगों के साथ सरकार के सरोकार जुड़ते हुए ये कैसे विकसित होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद स्वच्छ भारत की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने की थी उसके जरिए नहीं बल्कि अब के दौर में भी जिस तरह की असमानता विसंगति समाज के भीतर है, क्या ये माना जाए कि जनता पहली बार प्रधानमंत्री को इस तरीके से झाड़ू लगाते हुए देखकर कहीं इस बात का एहसास करेगी कि हाँ उसे स्वच्छ रहना है। लेकिन एक मुश्किल ये है कि जिनके लिए जो कचरा है दूसरों के लिए वो आय का साधन है और ये सीढ़ी बड़ी लंबी सीढ़ी है। तो शायद इसीलिए स्वच्छता अभियान में शपथ सिर्फ पढ़ना पर ना रहे, वो वाकई शपथ बनकर सामने आए और शपथ देश में हर जन पर लागू हो और लागू करने की स्थिति में हर जन अपने आप को खड़ा पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंतजार कीजिए वक्त के साथ साथ स्वच्छ भारत की सोच कम से कम हमारे जहन में रहे और साफ दिखाई दे भारत।